तो भाई कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी की 8 ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जिसको आपको अपने सैमसंग गैलेक्सी में ऑन करके रखना चाहिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये 8 सेटिंग क्या है, कहाँ मिलेंगी और कैसे इसको यूज करेंगे, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करेगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको 8 ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ जो कि आपको अपने सैमसंग गैलेक्सी में ऑन करके रखनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सबसे पहले सेटिंग बताने वाला हूं। उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे की तरफ आना है। यहां जाना आपको एसिबिलिटी वाले ऑप्शन पे। एसिबिलिटी वाले जाने के बाद आपको जाना है यहां पर विजिबिलिटी इनहांस में, और विजिबिलिटी इनहांस में जाने के बाद यहां ऊपर की तरफ करेंगे। सबसे पहले जो सेटिंग है आपको ऑन करके रखना है वो है रिमूव एनिमेशन। आपको दिख रहा होगा, इसको आपको ऑन करके रखना है। रिमूव एनिमेशन प्रिवेंट सम स्क्रीन इफेक्ट यूजफुल इफ यू आर सेंसिटिव टू एनिमेशन स्क्रीन मूवमेंट। ये एनिमेशन जो होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे, लाइक मैंने अभी इसको ऑफ करा और आप देखेंगे एनिमेशन पे बंद हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको यूज कर दूंगा तो आप देखेंगे उसका एनिमेशन चेंज होगा। तो इससे भी मोबाइल के जो चलने की स्पीड है थोड़ी इंक्रीज होती है, तो आपको इसको ऑन करके रखना है। उसके बाद दोस्तों एक और दिया गया है नीचे एसी के अंदर, रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी एंड ब्लर। ये क्या होता है, आप देखेंगे जैसे कि आप देख रहे होंगे पीछे की तरफ ब्लर आ रहा है। आप देख रहे हैं पीछे मेरे अगर वॉलपेपर लगा के रखा है वो ब्लर आ रहा है। अगर आप नहीं चाहते आपको ब्लर आए तो आप उसको ऑन कर दीजिए, तो ये पीछे ब्लर नहीं आएगा। उससे भी क्या रहता है, जो ब्लर आता है उससे भी वो उसकी रैम खाता है, वो भी हैंग होने के चांसेस है, तो आपको इसको भी ऑफ कर देना है। तो आप देखेंगे अब नॉर्मल जैसा पहले आता था वैसा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये दो सेटिंग को आपको ऐसी बिल्डिंग के अंदर जाके ऑन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट सेटिंग बताने वाला हूँ उसके लिए वापस आपको यहीं पर सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी पे। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी में जाने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ जाना है आपको अदर सिक्योरिटी सेटिंग पे, और यहाँ पर आपको मिलेगा सिक्योरिटी पॉलिसी अपडेट का। इस फीचर को आपको ऑन करके रखना है कि जैसे ही कोई भी नई भी सिक्योरिटी आए तो वो ऑटोमेटिक अपडेट होती रहे, तो इसको आपको ऑन करके रखना है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट फीचर बताने वाला हूँ वो है फाइंड माई मोबाइल का। वो आप यहाँ से बैक करेंगे बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी के अंदर आपको मिल जाएगा फाइंड माई मोबाइल वाला, आपको इसको भी ऑन करके रखना है। तो ये वाले फीचर को भी आपको ऑन करके रखना है दोस्तों, ये भी बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पर जाना है आपको एडवांस फीचर्स में, सेटिंग्स के अंदर एडवांस फीचर में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है लैब वाले ऑप्शन में, जो कि आपको लैब का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको मल्टी विंडो फॉर ऑल एप्स को ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा, जितनी भी आपकी एप्स हैं जो कि मल्टी विंडो एप्स को सपोर्ट नहीं करती लाइक पॉपअप और स्प्लिट व्यू में, तो वो भी आपकी वहाँ पर खुल जाएगी, तो आपको भी इसको यहाँ से ऑन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ जो कि बहुत यूजफुल है, उसके लिए आपको बैक आके यहाँ पर जाना है आपको अपने मोबाइल के डिवाइस केयर में, बैटरी एंड डिवाइस केयर में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ सबसे पहले 3 डॉट्स में और यहाँ ऑटोमेशन पे। तो सबसे पहले आपको एडिक्टिव पावर सेविंग मोड को ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा, आपके मोबाइल के यूजिंग के हिसाब से वो बैटरी को सेव करेगा, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो आपको इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो है इसी के अंदर, उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पर बैटरी वाले के ऑप्शन में। बैटरी वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ जाएंगे नीचे मोर बैटरी सेटिंग पे, और यहाँ पर आपको एडिक्टिव बैटरी मोड को पहले तो ऑन कर लेना है, जो कि बहुत काम का है, आपको इसको ऑन करके रखना है। उसके बाद इसी के अंदर एक और चीज़ को ऑन करना है, वो है प्रोटेक्ट बैटरी वाला। ये बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होगा, आपका मोबाइल 85% से ज़्यादा चार्ज नहीं होगा और आपकी मोबाइल की बैटरी की लाइफ इंक्रीज होगी, तो आपको इसको भी हमेशा ऑन करके रखना है, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ उसके लिए आपको यहाँ वापस बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ ऊपर जाना है यहाँ पर डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ ऊपर की तरफ आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन, जो कि बहुत काम का फीचर है। इससे क्या होता है, जब भी आप अपने मोबाइल को बंद करके अपने जेब में रखते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह रखते हैं, वो एक्सीडेंटली कहीं टच ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, मतलब टच हो के कहीं किसी को कॉल नहीं लग जाए या कहीं मैसेज ना चले जाए, तो आपको उसको ऑन करना चाहिए। इससे क्या होगा, वो जहाँ भी डार्क प्लेसेस होंगी वो ऑटो वहाँ पर एक लॉक अलग से बना हुआ जाएगा और वो यूज़ नहीं होगा। अगर आपको नहीं पता एक्सीडेंटल टच क्या होता है, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आई बटन पे दे दूंगा, जाके आप वहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यही मैंने कुछ आपको सेटिंग्स बताई थी जो को आपको अपने मोबाइल में ऑन करके रखना है, जिससे आपके मोबाइल का बहुत फायदा होगा। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि इसमें और सेटिंग्स को भी आप एड ऑन कर सकते थे, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो थैंक यू।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज यार मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सैमसंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे नए टिप्स की जानकारी या हो सकते हैं नए फीचर्स की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।